वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल जिम से निकल रहे हैं गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं गांव तरफ। दादी का चावल मिल रहा है, कंट्रोल वाला जो कमेंट देता है, तो चलते हैं उस तरफ। और खेत में थोड़ा सा काम है, खाली एक तो पानी छोड़ना है, तो छोड़ के आ जाएंगे फिर घर। ये गाइस इंटरसेप्टर ने प्रमोद दा, अभी अभी एक को पकड़ लिए हैं। अपना नहीं कटा है, हम स्लो में ही थे, 30-40 थे भी। हल्का सा गाइस जिम डाइट के लिए बोला है, सेब एक खाने के लिए वो कम ही ला रहे हैं। अभी तो लेने गया है, लाएगा तो खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। रास्ते में खाते खाते ही चले जाएंगे। अरे 70 का 6 पीस मिला है, मस्त है, चलेगा। यहाँ से दो साइड से पानी आता है, एक तरफ राइट से एक तरफ लेफ्ट जाते हैं। मस्त सीन है गाइस, पूरा बादल बादल, मजा आ रहा है। हमेशा अभी 3-4 दिन से गाइस ऐसे ही मौसम है, मस्त मस्त। और थोड़ा सा पहाड़ है, ये तो फुटबॉल मैच होगा यहाँ पे। चावल ले चुके हैं गाइस, अब निकल रहे हैं यहाँ से। और 30 किलो मिलने वाला था, बस 15 किलो मिला, क्योंकि दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका भी कट चुका है, खाली नानी का मिल रहा है, तो खाली 15 किलो ही मिल रहा है। उसके हिसाब से भी बजट सही में आ जा रहा है, ऊपर से काम था खेतों का। निकलते हैं खेत की तरफ अब। पेड़ देखो गाइस, पूरा मस्त, पूरा राजा महाराजा छत्ता जैसा है। कौन से पेड़ है पता तो नहीं है, बट गजब दिख रहा है, पूरा स्त्री जैसा। काम खत्म हो चुका है, अब घर जा रहे हैं। गांधी को पेड़ चढ़ने का टास्क मिला है गाइस, देखते हैं कैसे चढ़ता है। चढ़ जा जल्दी। वाह, गिरना मत खाली, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा नहीं तो। बस उतना चढ़ा, आगे नहीं। कैसा लग रहा है ऊपर चढ़ के? ब्रिज बना नहीं है, बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, इसी की वजह से बहुत लॉन्ग घूमना पड़ता है। ब्रिज बन जा, बन तो चुका है, थोड़ा बहुत काम है, ख़त्म हो जाए तो बस उसके बाद ये रोड चालू हो जाएगा। और हम लोग अभी घर पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही दूर है, यहाँ से 2 ही किलोमीटर है। गाइस अभी क्लास के लिए निकल रहे हैं, बहरा मॉल मैं साथ ही निकल चुके हैं, और नेहा को भी रिसीव करना है तो लेके साथ में ही चलेंगे। सीमा तो नहीं जा रही, तबीयत खराब है, अभी घर से निकल चुके हैं। कारण है तो कचरा करके रखे हैं, एक जगह डस्टबिन में लेके जा रहे हैं। आइस क्लास पहुंच चुके हैं, बोल रहे हैं क्लास को। सभी हम लोग कार्टे क्लास से घर आ रहे थे, और एक तो ऐसा चीज़ देखिए कि पूरा मूड ऑफ हो गया, जैसे कि रास्ते में गाय का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पे पुलिस
पुलिस लोग हैं, रिपोर्टर लोग हैं, सारे कुछ हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो बनाने के बाद किसी को बुलाएंगे शायद म्यूनसिपालिटी से और उसको कहीं फेंकवा देंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। जैसे अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उसको वीडियो बना के मजाक नहीं, अगर वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा चीज़ है वीडियो बनाए, लेकिन इसको किसी को मना करने के लिए कि ऐसा ना हो बोल के या ये जो हो रहा है ऐसा ना हो बोल के बनाना अच्छा ही है, लेकिन मजाक में ये लोग खाली रिपोर्टिंग पैसे के लिए बना देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस नहीं है रिपोर्टिंग बट, और गाय अगर एक्सीडेंट हुआ है गाय तो गार्जियन वो देख के चलाना चाहिए, लेकिन गाय का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको कहीं दफनाना चाहिए, बट कोई दफनाने में नहीं है, सब कोई वीडियो बना के चले जा रहे हैं। जैसे गाय का जब डेथ हो गया उसको उस टाइम भी नहीं छोड़ रहे हैं, अगर रखना है तो घर में रखिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए गाय। नेक्स्ट कहीं भी आप जाते आते हैं तो थोड़ा देख के चलाइए, ताकि गाय अगर कहीं रोड में बीच में घास जल जाएगा तो वहाँ खाने के लिए लोग चले जाते हैं, मतलब वो उतरते हैं तो ट्रक लोग स्पीड रहते हैं तो उसको एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे अभी हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा देख समझ के चलाइए और उसका भी ज्ञान है तो उसको ही बचाइए, क्योंकि वो 2 मिनट का रास्ता है घर पहुँच जाएंगे।